हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमरहमान यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एनआरसी के बारे में एक ऐसे अपडेट के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा जो अभी अभी आया है और जिसे सुन के आप जो है चौंक जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि लोग एनआरसी को लेकर क्या क्या कर रहे हैं आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है। ये इन्फॉर्मेशन अभी अभी आया है तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना नए नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए इस बारे में जल्दी से जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप वीडियो को अच्छे से सुनना और पूरा देखना, नहीं तो आपके पास आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन जाएगा। पूरा देखिए तभी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता चलेगा। अभी देखिए, एनआरसी के तहत दान के संग्रह के लिए पुलिस स्कैनर के तहत 4 के बीच अनुसंधान। पूरा देखिए उन्होंने क्या क्या बताया, क्या अपडेट है। अभी देखिए, असम में अनुसंधान विद्यालय सहित 4 लोग राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी के नाम पर दान के कथित संग्रह के लिए पुलिस की जाँच के दायरे में है, जिसका अंतिम मसौदा 31 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। पुलिस के आपराधिक जांच विभाग यानी CID ने इस संबंध में शिकायत मिलने की पुष्टि की। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक CID LR विश्राई ने इस अखबार को बताया कि वो आरोपों को जांच कर रहे थे। हमें NRC के संदर्भ में आपराधिक गतिविधियों के संबंध में बहुत कम शिकायतें मिली है। हमें कुछ शिकायतें भी मिली है जहाँ वह आरोप लगाया गया था कि कुछ लोग NRC के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। विश्राई ने कहा, हम एक जाँच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को सोशल मीडिया में प्रसारित झूठी रिपोर्टों को बुनाकर राज्य में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करने वाले कुछ तत्वों के बारे में भी शिकायत मिली है। उसके बाद ये भी देखिए, उनके साथ दर्ज शिकायत में RTI कार्यकर्ता दुलाल वोरा ने आरोप लगाया कि 4 लोग गुवाहाटी विश्वविद्यालय GU से PhD की छात्रा रेहाना सुल्ताना, शफीकुल इस्लाम GU का एक अन्य छात्र मौसमी छेतिया, एक हेग आधारित PhD शोधकर्ता और एक अशराफुल हुसैन जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जनता से NRC के नाम पर चंदा मांग रहे थे। वो लोग के मन में दहशत पैदा करके दान उत्पन्न करने के लिए सोशल मीडिया का आक्रामक रूप से उपयोग कर रहे हैं। वे लगे से कह रहे हैं कि वे NRC के अंतिम मसौदे में अपना नाम शामिल करने में उनकी मदद करेंगे। उन्होंने 2 बैंक खाते बनाया है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। उसने पुलिस से 2 बैंक खातों को फ्रीज करने और राशि को जब्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू और कश्मीर में धारा 370 के हाल ही में निरस्त करने के साथ चौकड़ी अनावश्यक रूप से NRC मुद्दे को जोड़ रही है और इसके साथ नागरिकता के दस्तावेज के पुनः सत्यापन के लिए दिए गए नोटिस के मद्देनज़र असम में मुसलमानों को कठिनाई की तुलना की जा रही है। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि वे NRC के अंतिम मसौदे प्रकाशन की अगुवाई में असम में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही पूरा अपडेट था, पूरा इन्फॉर्मेशन था। इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानना है तो कमेंट कर देना। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला था। मिलते हैं अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।